हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने लेक्चर नंबर चार में अपन ने अभी तक जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली और इसके एडिशन में अपन ने एनिमल डाइवर्सिटी की बात हो गई थी मॉर्फोलॉजी की जो कॉकरोच आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात हो गई थी ठीक है आज अपन बात करेंगे ट्वेल्थ के पोर्सन की ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ठीक है टू से नाइनटीन तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन का वादा सीएलसी ने जो किया था वो आपको पता है कि रेगुलरली आपको ये वीडियो जो ये जो हैं मिलते जा रहे हैं और जैसा हमारा मानना है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में हेल्प जरूर कर रहे हैं अल्टीमेटली अपन कहें तो अपने को पता होना चाहिए एक क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है उस चार ऑप्शन में पूछा गया है ऑप्शन ही क्यों जा रहा है बाकी के गलत क्यों हैं अक्सर अपन एक बात कहते हैं ना कि मिस्टेक होगी सिली मिस्टेक वो सिली मिस्टेक होती किस कारण है क्योंकि अपन

और उसके बाद में सिक्रेटरी फेज कहलाई थी तो मैस्ट्रल फ्लो की अगर बात करें तो ये मैस्ट्रल फ्लो किसके कारण अराइज होता है आइए पेन को ले आए पहले तो अपन तो मैस्ट्रल साइकिल के दौरान मैस्ट्रल फ्लो होने का कारण होता है क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इस एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से एलच जो है इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है कम हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग ठीक है का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से कम होगा तो इसके रिजल्टेंट जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता गोनेड में ओवरी में ये क्या हो जाता है डिजनरेट हो जाएगा ठीक है बच्चों ये अगर डिजेनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन कम हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रख रहा था यही तो मेंटेन रख रहा था इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर चालू हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी के कारण होता है ऑप्शन देख ले आप इसमें कौन सा आ रहा है तो अल्टीमेटली कहें तो किसकी कमी के कारण प्रोजेस्टेरोन की ओके ऑप्शन नंबर थ्री अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू मेन फंक्शन ऑफ मेमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस अभी अभी अपन ने बात की है क्वेश्चन नंबर वन और सेकंड आपस में इंटर रिलेटेड तो है तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या कहलाता है मेन फंक्शन है बच्चों इसका प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है बना किससे था येलो कलर की बॉडी है ना जो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल थी वो एलएच के इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है रप्चर हो जाती है ओवुलेशन का फिनोमिना हो जाता है और रिमेनिंग जो ग्राफियल फोलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है येलो कलर्ड बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है मेजर फंक्शन क्या है प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करता है फॉलोइंग इवेंट आर नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल ओवुलेशन से कौन सा संबंधित नहीं है रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट अपन सभी जानते हैं टर्ट्री फॉलिकल बनी थी फोलिकल हो फॉलिकल, फॉलिकल होता है तो जो स्टेज बाहर निकलती है ओवुलेशन के रिजल्टेंट वो क्या कहलाती है सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है और ये सेकेंडरी ओसाइट वो स्ट्रक्चर है जो कहां पहुंची थी फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंची थी

डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल एस्ट्राडायोल में कमी आ जाना नहीं ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है संबंधित फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फोलिकल ग्राफियन फोलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगी तो फिनोमिना कौन सा होगा बच्चा ओवुलेशन होगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा कौन सा रिलेटेड नहीं है एस्ट्राडायोल की कमी हो जाना ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करें क्वेश्चन नंबर फोर ज इन जी एनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाई सो एंटीरियर था एंटीरियर से एफ एच एच एल एच का सिक्रीशन हुआ था ओवरी पर आकर एक्ट किया था ओवरी ने किसका सिक्रीशन किया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो इन बीटरी एफेक्ट जाएगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर कम हो जाएगा बॉडी में तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा क्लियर हो गई बात इसका मतलब है सर्कुलेटिंग लेवल किसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसके के कारण जीएनआरएच की पल्स फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जीएनआरएच का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से जो है वो घटता और बढ़ता रहता है ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन इनहिबिन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है

इनहिबिट करती है नो no. एफएसएच की बात होगी गई रॉन्ग इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच एफएसएच प्रोलैक्टिन नो ये भी गलत ये भी गलत ठीक है okay. तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओके हाँ तो बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या चुनना है अपने को इनकरेक्ट वन एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन इन द ओवरी अभी बताया था एलएच सरज हुई थी ना बिल्कुल ठीक बात है एल एंड एफ एच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज फोलिकुलर फेज की अगर मैं बात करू यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है याद रखना बच्चों ये जो फोलिकुलर फेज है फोलिकुलर फेज इसमें अर्ली फोलिकुलर फेज की बात करेंगे और लेट फोलिकुलर फेज की बात करेंगे अर्ली फोलिकुलर फेज में एफ का सिक्रेशन बढ़ता है बढ़ते हैं जिसके कारण जो उगोनियल है प्राइमरी अगर मैं बात करूं तो एट दी मिड इसको लेट को अपन मिड में काउंट करें मिड फोलिकुलर फेज में क्या देखा जाएगा एल का सिक्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है एफ एंड एल

आईसीएसएच के नाम से भी जाना जाता है इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन के नाम से भी जाना जाता है करेक्ट है एफ एस एच स्टिमुलेट सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेसिस एफ स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को फोलिकल स्टिमुलेटिंग विच हेल्प इन द नो सर्टोली सेल नहीं करेंगी फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं एफ एस एच स्टिमुलेट सेल विच हेल्प इन सिस यह बात भी क्या है करेक्ट है इनकरेक्ट पूछा है ऑप्शन नंबर सेकंड सेकेंड ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आ जाए द डिफरेंस बिटवीन स्परमियो जेनेसिस एंड स्पर्मिएशन हाँ जी याद है ना आपको क्या बोला था स्पर्मेटोगोनिया क्या बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेटोसाइट से क्या बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना था स्पर्मेटिड से बना था स्पर्मेटोजोवा ठीक है ये कैसी थी स्ट्रक्चर की टू एन डिप्लॉयड ये कैसा था टू एन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी कैसा था एन मियोसिस वन हो जाता है यहां पर ये भी कैसा है एन ये भी कैसा है एन ठीक है तो स्पर्मेटेड से स्पर्मेटो का मेटाजोवा का बनना ये फिनोमिना तो क्या कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है ठीक है अब स्पर्मेटो बनने के बाद ये अपने हेड को एम्बेडेड कर देते हैं सेल 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 में नर्स सेल में सस्टेंटेकुलर सेल में नर्स तीन नाम बताएं याद रखना है इसको सेल बोलो नर्स सेल बोलो सस्टेंटेकुलर सेल बोलो एक ही बात है ठीक है तो उसमें अपने हेड को एम्बेडेड कर देते हैं और इन स्पर्म का क्या होता है स्पर्मेटोजोवा का मेचुरेशन यहां पर होना होता होना होता है अब

स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटो जो वहां बनते हैं स्पर्मेटेड नहीं तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया ठीक है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एक अनदर वर्ड और याद रखना स्पर्मेटिलियोसिस क्या बोलते हैं इसको स्पर्मेटिलियोसिस ओके बच्चों तो आंसर कौन सा चला गया ऑप्शन नंबर टू अगले क्वेश्चन अभी मूव करें क्वेश्चन नंबर एट

Epididymes से पहले आती है तो ऑप्शन नंबर टू भी क्या हो गया रॉन्ग अगला देखें टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आएगा आए में वही बात पहले आई गई है तो ये भी क्या हो गया में आएगा, में, आएगा, में आएगा और यूरिथ्रल मीटर्स तो कौन सा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट ओके अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर जो एग न्यूक्लियस है उसमें सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो कब रिलीज आउट होती है तो याद करो जब स्पर्म आया था इसके पास में स्पर्म की एंट्री हो गई थी टेल पार्ट बाहर रह गया था ठीक है और जो फीमेल प्रो न्यूक्लियाई है उसकी तरफ क्या जाता है मेल प्रो न्यूक्लियाई जाता है ठीक है जी ठीक इसी समय अभी फ्यूजन हुआ नहीं है

अगले क्वेश्चन पे मूव करें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल ठीक है गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी के विषय में अपने को बताना है हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए तो कौन रिस्पांसिबल है प्रोजेस्टेरोन रिस्पांसिबल है सर ओके हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इंप्लांटेशन में

टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशियन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन ह्यूमन में पार्चुरेशन पार्चुरेशन किसको बोला है बेबी बर्थ की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो कौन सा इंपोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन को क्या बोला था याद करो प्रोलेक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवाया था ना इसने तो ये तो रॉन्ग हो गया इंक्रीज इन एस्ट्रोजन टू प्रोस्ट्रॉन रेशियो प्रेग्नेंसी जब कंप्लीट होती है तो रे, रेशियो जो है वो इन्वर्स हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा था ठीक है अब क्या हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन प्रोस्टेग्लैंडिन का सिंथेसिस होना ये बात भी क्या है करेक्ट है ठीक है ये भी संबंधित है ये भी संबंधित है पार्चुरेशन से रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो तो ये अपन तो जानती है फीडल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो बनी थी जहां सबसे पहले इंपल्स कहां से जनरेट हुई जनरेट हुई थी डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से जो है वो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई ठीक है और उसकी वजह से पिट्यूटरी से किसका सिक्रीशन हुआ ऑक्सीटोसिन का ऑक्सीटोसिन क्या करता है बॉडी की स्मूथ मसल्स पे आके एक्ट करता है उनमें कॉन्ट्रेक्शन ये करवाता है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होता है इसकी वजह से क्लियर हो गई तो अपना नोट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा है तो आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर वन ओके हां बच्चों, यहां पे एक प्रोस्टेकेंडिन की बात हुई है ये प्रोस्टेक कहां से सिक्रेटेड है फ्यूटल मेम्ब्रेन, फ्यूटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ और फिटल मेम्ब्रेन भी कौन सी एमिनियोन एंड कोरियन। एमनियोन एंड कोरियोन क्या काम करता है ये सर्विक्स में डायलेशन करवाता है डायलेशन इन सर्विक्स एंड क्या करवाता है कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम क्लियर हो गई बात इसका मतलब डायलेशन इन सर्विक्स और कॉन्ट्रेक्शन इन मायोमेट्रियम ये भी

क्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ किसका सर्जिकल रिमूवल जो है वो कहलाता है डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है ठीक है किसका का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है? कहलाता है है क्लियर इसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पर और भी दिए गए हैं मेमोरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है प्रोस्टेट का क्या कहलाता है डिफरेंस का क्या कहलाता है तो इनके विषय में भी आप याद रखें पहला कौन सा है मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड क्या है मैसेक्टॉमी मैसेक्टोमी प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है प्रोस्टेट एक्टोमी, वास्ट डिफरेंस का क्या कहलाता है वैसे वेसेमी के नाम से जाना जाता है क्लियर तो डायरेक्ट मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Re -AIP, Re -AIP 15 में आया हुआ है इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड कम्प्लीटेड अभी अपन ने बात की थी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने का मतलब सेकंड पोलर बॉडी का निकल जाना ठीक जी तो कब तक मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं होती है जब तक क्या नहीं हो जाए फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए यूटेराइन इम्प्लांटेशन बर्थ प्यूबर्टी फर्टिलाइजेशन तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं होती ऑप्शन नंबर फोर Next question. Question number 15. Pregnancy refers to, pregnancy का मतलब क्या है? के के अलावा और किसी पार्ट में, female के, और किसी किसी में में टेशन हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? कहलाता है। ये फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है ठीक है या फिर जो सर्विक्स रीजन है उसके नजदीक भी हो सकती है तो यूटेराइन का जो बॉडी फंडिक बॉडी और फंडिक पार्ट है उसको छोड़कर अन्य किसी भी साइट पर इम्प्लांटेशन हो जाना क्या कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑप्शन देख लें आप इसमें से इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन दी यूट्रस ओके ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ कब संभव हो पाता है जब ओवम और स्पर्म जो हैं, ये साइमल्टेनियसली कहाँ पहुंचे एम्पुलर रीजन पर पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में दी फेलोपियन ट्यूब तो बात क्या है ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा बाकी के ऑप्शन पढ़ेंगे तो इस प्रकार का कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखाई देगा अगले क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द फंक्शन ऑफ कॉपर आइन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हाँ जी का क्या फंक्शन होता है ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम करता है।, करवाने का काम करता है ठीक है जी तो कोपर रिलीजिंग की अगर इनबिट गांशन नो दे फॉर ओवलेशन नो दे सप्रेस स्पर्म मोर्लिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दी स्पर्म तो बात क्या है ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए ओके इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे और भी बतानी है आपको इन ही कौन सी आईयूडी का काम है ठीक है जी यह कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो गेमिटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है मेल की अगर बात करें तो स्टीरोड का जो इनटेक है स्टीरॉइड इनटेक क्या करवा देता है गेमिटोजेनेसिस को कम करवा देता है मेल के केस में ठीक है जी ओवुलेशन और मेक यूट्रस अनशुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ये दोनों ही फंक्शन कौन दर्शाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओके लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है दे मेक यूट्रस अनशुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ये और किसके द्वारा दर्शाया जाता है ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के द्वारा भी दर्शाया जाता है हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडी और हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कौन है सभी जानते हैं प्रोजेस्टासाइड प्रोजेस्टासाइड एलएनजी लेमिनोर गेस्ट्रल ट्वेंटी ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कहलाती है ठीक है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पिछले

अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैपेसिटेशन अकर इन रिपीट हो गया क्वेश्चन अभी अपने पूरा कांसेप्ट देखा था कैपेसिटेशन का कैपेसिटेशन कहाँ होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो देखा जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हां भाई एस टी आपके दी गई हैं उनके नाम आपके दिए गए हैं और उनके जो पॉजिटिव एजेंट है वो सब की आपको याद रखना है ठीक है नीट 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है इसमें केवल एक मैच अगर किसी को पता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है गोनोरिया किसके द्वारा होता है साहब निश्चेरिया गोनोरी तो ए का सेकेंड हो जाएगा ए का सेकेंड ऑप्शन देखो किस में आ रहा है फोर्थ में आ रहा है ठीक है अगला अगली बात देखें साइफिलिस ट्रिपेनोमा पेलेडियम करेक्ट बात है

हार्मोन सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीटेड है ठीक है प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बिल्कुल ठीक बात है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये सारे ही किए जाते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है ठीक है एसिजी प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन सिमिलर आ गया ग्लूको की वजह से गलत हो गया एससीजी एचपीएल एस्ट्रोजन तो कब पार्चुरीशन के समय काम में आया था ठीक है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आया था यह भी गलत हो गया एससीजी एचपीएल प्रोजेस्ट्रॉन प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन ये भी नहीं जाएगा ठीक है एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियड है तो आंसर अपना कौन सा चला गया बच्चों ऑप्शन नंबर वन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है इज एन आईयूडी इंट्रा यूटेर डिवाइस है सहेली तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है याद करो सी डी आर आई लखनऊ क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से तो आईयूडी है गलत बात है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पोस्ट कोइटल की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कह दो या इमरजेंसी पिल्स कह दो अनवांटेड 72 एग्जांपल है इसका ठीक है तो पोस्ट नहीं है पहले लिया जाता है इसको इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवलेशन इन फीमेल फीमेल में एस्ट्रोजन नहीं नहीं के रिसेप्टर जो है उनको क्या कर देती है डेस्ट्रॉय कर देती है तो आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ओके हाँ बच्चों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे नंबर ट्वेंटी फोर एमनियोन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एमनियोन किससे डिराइव होती है ठीक है इसके लिए मैं कुछ चीजें लिखता हूं यहां पर वो याद रखनी है आपको कोरियोन एमनियोन एंडियोक्सेक, योक्सेक ठीक है कोरियोन के लिए याद रखें आउटर लेयर और इनर लेयर आउटर लेयर एक्टोडम से हुई थी कौन सी ब्लास्ट ठीक है इनर लेयर जो है वो है सोमेटो प्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर मीजोडर ठीक है तो कोरियोन के लिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना है एमनियोन इसका रिवर्स हो जाएगा एमनियोन के रिवर्स का मतलब हो गया बाहर वाला आउटर तो क्या हो जाएगा यही सोमेटोप्लूरिक ये वाला हो जाएगा और इनर कौन सा हो जाएगा इसका ट्रोपोब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट क्लियर होगी Allantois और योक सेक में सिमिलर कंडीशन कंडीशन? पाई जाती है। कौन सी condition? अंदर तो क्या होता है इनर लेयर एंडोडर्म एंडोडर्म और आउटर की अगर बात करूं तो आउटर कौन सी होती है बच्चों या तो सोमेटो थी वहां क्या आ जाएगी स्प्लैंकनो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर क्लियर होगी अब आप मैच कर लो एमनियोन के लिए पूछ रहा है एमनियोन के लिए क्या होती है बाहर वाली क्या कहलाएगी सोमेटोप्ल्यूरिक अंदर वाली ट्रोपोब्लास्ट लेकिन डिराइव्ड पूछ रहा है डिराइव्ड का मतलब एक तो बनेगी कौन सी मीजोडरमल फॉर्म और एक क्या बनेगी ट्रोपोब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट मतलब एक्टोडर्मल फॉर्म मीजोटर्म एंड एक्टोडर्म आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां कंफ्यूज मत हो जाना ट्रोपोब्लास्ट ये डिराइव पूछ रहे हैं तो ट्रोपोब्लास्ट किससे डिराइव है वो एक्टोडर्म से डिराइव कहलाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सेलेक्ट दी हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हॉर्मोन रिलीज करने वाला इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन सा है अभी दोनों एग्जांपल लिखे थे मैंने प्रोजेस्टासाइड एलएनजी दोनों ही क्या है हार्मोन रिलीजिंग है ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा अगले में देखिए आप क्या है मल्टीलोड 375 ये तो कॉपर रिलीजिंग है लिफ्ट स्लोप ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहलाती थी है ठीक है वॉल्ट्स बैरियर की तरह एक्ट करता है एलएनजी 20 बिल्कुल ठीक बात है हार्मोन रिलीजिंग है लेकिन एक से क्या होगा मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग है

ऑप्शन नंबर वन ओके यहां एक एडिशनल बात आपको और याद रखनी है वो बात कौन सी कि ये तो ठीक है जेनेटल हर्पीज की बात कर ली क्योरेबल नहीं है क्लेम आइडिया क्लेम आइडिया किसके द्वारा है क्लेम आइडिया के द्वारा है ठीक है किसके द्वारा बच्चों क्लेम आइडिया के द्वारा होने वाली एस कहलाती थी, है ठीक है और ट्रीटमेंट के लिए क्या काम में लिया जाता है एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स काम में लिया जाता है ठीक है निषेधिया पढ़ाई था अपन ने बैक्टीरियल है ना और क्या काम में लिया जाता है वही एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है जेनेटल वर्ड क्या काम में लिया जाता है क्रायोसर्जरी क्रायो सर्जरी के द्वारा इन जो वार्ड्स हैं इनको रिमूव आउट किया जाता है बॉडी से क्लियर अगले क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फॉलोइंग रोल ऑफ हॉर्मोन रिपीट हो रहे हैं देखो एक ही कंसेप्ट ठीक है तो ये हॉर्मोन पर डिपेंड कौन सा है देखें आप कॉपर कॉपर टी रिलीजिंग है नहीं है ना तो ये हट गया बाकी और देख लें आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोन है पिल्स में हॉर्मोन है पिल्स में हॉर्मोन है एमरजेंसी में हॉर्मोन है बैरियर मेथड में हॉर्मोन है, है नहीं है लेक्टेशनल एमिनोरिया ठीक है लेक्टेशनल एमिनोरिया इसके दौरान क्या होगा हॉर्मोनल रोल होता है आपको पता है कि बेबी बर्थ के बाद में नेक्स्ट जो सिक्स मंथ है वो कंडीशन लेक्टेशनल एमिनोरिया को रिप्रेजेंट करती है मैस्ट्रल साइकिल की ऑप्शन देखी जाती है हॉर्मोनल इम्बेलेंस के कारण तो हॉर्मोनल रोल है पिल्स में है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा थर्ड अगले में आप देखें बैरियर मेथड फिर से आ गया तो क्या हो गया रॉन्ग हो गया क्लियर तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर थ्री हाँ तो स्टूडेंट आज अपने जो है होम असाइनमेंट पहुंच रहे हैं सबके पास में डेली उनको ईमानदारी से सोल्व करना है ठीक है ये होम असाइनमेंट क्यों दिए जा रहे हैं आपको ये भी पता है क्या अभी ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं लेकिन पेपर कैसा होगा आगे नीट का छब्बीस जुलाई को कैसा होगा बच्चों ऑफलाइन होगा तो वो ऑफलाइन की हैबिट आपकी नहीं छूट जाए इसलिए होम असाइनमेंट दिया जा रहा है ठीक है अगर पॉसिबल हो पाए तो इन होम असाइनमेंट का प्रिंट निकालकर फिर सेल्फ ओएमआर बनाकर इनको तीन घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है और नहीं भी हो पाता है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कोई बात नहीं वहां से कर लें अपनी एक सेल्फ ओएमआर बना लें और उसके द्वारा जो है क्वेश्चन को सोल्व आउट करते रहें ठीक है बाकी मस्त रहें स्वस्थ रहें ओके थैंक यू